नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग फूड वर्सेस राइट फूड, ठीक है। रॉन्ग फूड राइट फूड, ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं न्यूट्रल फूड्स, नेगेटिव फूड्स एंड पॉजिटिव फूड्स, ठीक है। तो भोजन जो है कुल तीन प्रकार के होते हैं। एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल का क्या लाभ हानि है? न्यूट्रल से देखिए ना तो बीमारियां बनती है, ठीक है, और ना ही उसमें बीमारियों को ठीक करने की शक्ति होती है। पॉजिटिव फूड्स क्या खासियत है? पॉजिटिव फूड्स की खासियत ये कि ये बीमारियों को जो है ठीक कर सकती है। नेगेटिव फूड्स की क्या खासियत है? नेगेटिव फूड्स जब हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो उससे जो है हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आज हम इन तीन प्रकार के भोजन की जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम जो है न्यूट्रल फूड्स की बात करेंगे। न्यूट्रल फूड्स में आपका जो है गेहूं की रोटी आएगा, ठीक है, चावल आएगा, सभी प्रकार की दालें आएंगी, ठीक है, ये न्यूट्रल फूड्स है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो वो न्यूट्रल फूड्स खा के जो है लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकता है। लेकिन जब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, खासकर डाइजेशन से जुड़ी, डाइजेशन से संबंधित जब बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, तब ये न्यूट्रल फूड जो है बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। बीमारियों को ठीक करने की जो काबिलियत है वो पॉजिटिव फूड्स में है। तो ये जो मैंने अभी बताया तीन चार प्रकार की जो है फूड्स, ठीक है, ये बीमारियों को जो है, यदि आप बीमार हैं, बीमार अवस्था में अगर आप इसे ग्रहण करेंगे तो आप इससे जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा वर्स्ट होंगी, ठीक है, उससे समस्याएं जो है ठीक नहीं होंगी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव फूड्स की, ठीक है, जहाँ से बीमारियां उत्पन्न होती है। नेगेटिव फूड्स में देखिए हर वो चीज़ जो तेल में बार बार जो है तला जा रहा है, ठीक है, खासकर मार्केट की चीज़ें, ठीक है, अगर बार बार कोई चीज़ ऑयल में फ्राई हो रहा है, ठीक है, तो जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, उससे भी जो है कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी जो है आपके शरीर में ज़रूर उत्पन्न होगी, ठीक है। देखिए वक्त लग सकता है, ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 20 साल बाद डेफिनेटली जो है कोई ना कोई समस्या जो है उत्पन्न होगी, अगर बार बार उबले हुए तेल में लें, ठीक है। नंबर एक बात, ये तो रही तेल की बात, ध्यान दीजिए तेल एक ही है, ठीक है, मगर उबालने के पश्चात और उबालने से पहले उसके जो गुण है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। उबालने से पहले वही तेल जो है एक औषधि का कार्य करता है, ठीक है, और उसको जितनी बार आप उबालते जाएंगे वही वो पॉइजन भी बनता जाता है, ठीक है। तो गुण जो है चीज़ एक ही है मगर गुण जो है दो हो जाते हैं, ठीक है, उबालने के पहले उबालने के बाद, ठीक है। तो ये तरह एक बात तेल की बात हमने कर रही, ठीक है, जब बार बार उबले हुए तेल में चीज़ बनाई जाएगी तो वो क्या होगा, वो बीमारी का आगे घर बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिफाइंड चीज़, ठीक है, जैसे कि चीनी हो गया, ठीक है, अगर आप चीनी का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे आगे चल के जो है कोई ना कोई बीमारी अवश्य उत्पन्न कर देगी, ठीक है। चीनी का तो मैं आपको ये बता दूं कि चुटकी भर चीनी भी जो है आपका इम्यूनिटी इमीडिएटली डाउन करने के लिए इफरात है, मतलब एक चम्मच चीनी अगर आप लेते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो इमीडिएटली नीचे हो जाएगा, ठीक है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, वो भी इंस्टेंटली,
ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इम्यूनिटी से बचने में। अगर आप ज़्यादा मीठे का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, ओब्वियसली चीनी ही डलेगा मीठे में, ठीक है, तो आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, और अन्य बहुत सारी समस्याएं इनको उत्पन्न होंगी। तो ये रही दूसरी चीज़, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है जो नेगेटिव फूड्स में काउंट होता है, ठीक है, जो बीमारियों को जो है जन्म देता है, वो है मैदा, ठीक है। जिस चीज़ में मैदा जो है डल जाएगा, ठीक है, वो जो है हमारी वो नेगेटिव फूड्स में काउंट होगा और उससे जो है बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, ठीक है। मैदे की क्या समस्या है? बेसिकली मैदा जो है बहुत ही, मैदा एक प्रकार का रिफाइंड होता है, ठीक है, उसमें फाइबर नहीं होता है। देखिए ध्यान से समझिए, मैदा कैसे जो है हमारी बॉडी में जो है नेगेटिविटी क्रिएट करता है, हमारी बॉडी में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मैदा बहुत बारीक होता है, जब आप मैदे का सेवन करते हैं, ठीक है, और ध्यान दीजिए बहुत सारी चीज़ों में मैदा उपयोग होता है, जो मार्केट में आप जो जो चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर चीज़ों में मैदा जो है होता है, ठीक है, सभी बिस्किट्स में मैदा होता है, ठीक है, इसको दो बार नोट कर लीजिए, सभी बिस्किट्स में मैदा होता है, ठीक है, और बिस्किट्स में तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चलिए उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जिस चीज़ में भी मैदा है, ठीक है, वो नेगेटिव फूड्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। मैदा समस्या कैसे करता है, ठीक है, जब आप मैदे का सेवन करते हैं, मैदा बिल्कुल रिफाइंड है, ठीक है, और वो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, ठीक है, ये जो आते हैं हमारी, ठीक है, सबसे नीचे, और वहाँ से वो पास आउट नहीं होता, उसको पास आउट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, चिपका रहेगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कब निकलेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना साल 1.5 साल 4 साल 5 साल, ठीक है ना, हाँ जी, इतने साल भी वो भीतर बैठा रह सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सक्रेशन सिस्टम है, ठीक है ना, यानी कि जो पेट साफ़ होने वाली जो है, ठीक है, वो सिस्टम आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसका जो पेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक्सक्रेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो उसका तो चलिए 2 3 4 5 दफ़ा जाएगा, ठीक है, या 4 5 दिनों में क्लीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन को झेल रहा है, ठीक है, उसका तो निकलने में कुछ नहीं पता कितना दिन लगेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भी लग सकता है, उसे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो मैदा जो है दोस्तों इस प्रकार से क्रिएट करता है प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसे और आगे बढ़ते हैं, तो हर वो चीज़ जो गैस बनाती है, ठीक है ना, देखिए जब गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ें गैस नहीं बनाती, आपको मैं बता दूँ, ठीक है, दालें खाएंगे नहीं गैस बनाएगी, ठीक है, आप जो है जो कि सबसे ज़्यादा गैस बनाती है किस समय, जब आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक होता है, उस दौरान जब आप गैस एसिडिटी को झेल रहे हो, उस समय सभी दालें गैस बनाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, और इसके अलावा बासी भोजन, ठीक है, जब भी ये ताज़ा भोजन और बासी भोजन ज़मीन आसमान का जो है अंतर होता है, ठीक है। ताज़ा भोजन जब आप लेंगे तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और बासी भोजन जब आप लेंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। इसलिए जो है बासी भोजन जो है वो भी नेगेटिव फूड्स में काउंट होगा और उससे जो है बीमारियां उत्पन्न होंगी। अगर आप निरंतर बासी भोजन लेते रहेंगे तो उससे बीमारियां जो है उत्पन्न होंगी डेफिनेटली एक ना एक दिन, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय बासी भोजन लेता है। तो ये तो रहे दोस्तों नेगेटिव फूड्स जिससे बीमारियाँ होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है, बार बार उन्हीं चीज़ों में बन रहा है, ठीक है। मिठाइयाँ जो हैं, ठीक है, अगर आप निरंतर मिठाइयों का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, उसे आप बचिए। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव फूड्स की, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यदि आप बीमार हैं तो बीमारियों को जो है ठीक करने की क्षमता रखते हैं, वो कौन से फूड्स हैं, ठीक है, आप ध्यान दो,
नहीं और सकता। ठीक है, नेचुरल फूड्स, ठीक है, नेचुरल फूड्स में वो ताकत होती है जहाँ से आपको वो बीमारी से निकाल के बाहर ला सकता है। ठीक है, उनमें इतनी ताकत होती है, जैसे कि सभी प्रकार के फल हो गए, ठीक है, और सलाद हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो है मिलेट्स हो गया। ठीक है, मिलेट्स पॉजिटिव ग्रेन्स में काउंट होते हैं, ठीक है, उसमें फाइबर होता है, उसमें मिलेट्स जो है नॉन एसिडिक ग्रेन है, ध्यानपूर्वक सुनिए, दो बार बोल रहा हूँ, नॉन एसिडिक ग्रेन है मिलेट्स। ठीक है, एसिडिटी के दौरान इस चीज़ को आप बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, गेहूँ और दालें, ठीक है, ये एसिडिक फूड्स हैं, लेकिन जब आप मिलेट्स लेंगे, ठीक है, एसिडिटी के दौरान ख़ास तौर पे आपको आप ये बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि मिलेट्स जो है नॉन एसिडिक ग्रेन है। तो मिलेट्स जो है नॉन एसिडिक ग्रेन है और उसमें फाइबर की मात्रा ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से जो है पेट साफ होने में ये मदद करता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है समस्याएं पेट साफ होने से जुड़ी होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तो इस वजह से जो है इसमें फाइबर होता है तो पेट साफ होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है एक पॉजिटिव फोर्स में काउंट होता है। इसके अलावा, ठीक है, फ्रूट्स की बात करी हमने, सैलड की बात करी हमने, मिलेट्स की बात करी, तो ये तीन ही चीज़ें हैं। ठीक है, नेचुरल फूड्स 100% नेचुरल होते हैं। ठीक है, जब आप इनका सेवन करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जो है थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये कोई वैसी मेडिसिन नहीं है कि आपने इमीडिएटली खाया और जो है उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले दिन से ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, मैंने खुद स्वयं जब मैंने फर्स्ट डे जब मैंने डाइट करना शुरू किया था, फर्स्ट डे पहले ही दिन मैंने जो है डिफरेंस देखा था। ठीक है, और इस चीज़ को मेरे जितने भी डाइट फॉलोअर्स हैं महसूस करते हैं, डे वन से जो है वो फ़र्क जो है उनको नज़र आता है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, जिसको हमें ध्यान देना होता है, ऑर्डर। ठीक है ना, कि किस ऑर्डर में किस चीज़ को खाना है। ठीक है, ये हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं पता होगा, ठीक है, तो जो है उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सही ऑर्डर क्या है? सही ऑर्डर है दोस्तों, पहले आप लिक्विड लीजिए, मॉर्निंग में लिक्विड लीजिए, एकदम से लिक्विड यानी कि जूसेस लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें पानी ज़्यादा है, जैसे पपीता हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सैलड लीजिए, उसके बाद जो है आप दोपहर में और जो है और आगे बढ़े 3-4 बजे तो आप कोई जो है फ्रूट ले सकते हैं, और रात में जो है मिलेट्स। ठीक है, ग्रेन्स में आता है मिलेट्स, इसलिए सबसे आखिरी जो भोजन है वो मिलेट्स है। तो इस तरह से जो है ये जो ऑर्डर जो मैंने अभी बताया, ये ऑर्डर जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रीन जूसेस, फिर थोड़ा सा वैसा फ्रूट जिसमें ज़्यादा पानी है। ठीक है, उसके बाद सैलड एंड सबसे आखिर में जो है मिलेट्स। ठीक है, अब एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है कि एसिडिटी में सीट्रस वाले फ्रूट्स नहीं लेना। ठीक है, जब आपको एसिडिटी है, ठीक है, उस दौरान सीट्रस फ्रूट्स को नहीं लेना। ठीक है, जैसे ही आपकी एसिडिटी जो है ठीक हो जाएगी, आप सीट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, सीट्रस फ्रूट्स कमाल के हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लिनजिंग करते हैं। ठीक है, मगर जब एसिडिटी होती है उस दौरान होता क्या है कि जब आप उसको लेते हैं, जब आप उसको ग्रहण करते हैं, तो आपके डाइजेस्टिव कैनाल में जो है वो इरिटेशन करेगा। ठीक है, और आप उसको जो है उसे आप अनइजीनेस फील करेंगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि यार ये मेरी बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और आप क्या करेंगे फिर आप डाइट को छोड़ देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सिट्रस फूड्स है उसको जो है एसिडिटी के दौरान नहीं लेना है। ठीक है, जब आपकी एसिडिटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसके बाद जो आप सिट्रस फूड ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया क्लिनजिंग करता है। ठीक है, कफ दोष में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है ना, यानी जुकाम संबंधी समस्याएं जब होती है उससे जुड़ी, सांस से जुड़ी समस्याएं, इसमें
सीटर सोर्स कमाल का काम करता है, लेकिन एसिडिटी में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात किया पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स एंड न्यूट्रल फोर्स की, ठीक है। तो आप पॉजिटिव फोर्स लेंगे, आप जो है बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। न्यूट्रल फोर्स लेंगे, स्वस्थ हैं तो ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। लेकिन बीमार हैं, न्यूट्रल फोर्स लेंगे तो कोई काम नहीं करेगा, रादर देन आपकी बीमारी को और ज़्यादा जो है वो ख़राब करेगा, बीमारी और बढ़ेगी, ठीक है। नेगेटिव फोर्स लेंगे तो ऑब्वियसली स्वस्थ हैं तो भी बीमार हो जाएंगे, बीमार हैं तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, ठीक है, फिर तो ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।